महापौर एजाज ढेबर मार्च के अंत में रायपुर नगर निगम का साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में 38 एजेंडों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी के कटोरा तालाब का नाम बदलकर झूलेलाल जी के नाम पर रखा जाएगा। इस संबंध में बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि नगर निगम के पास पर्याप्त फंड है, निगम का खजाना खाली नहीं हुआ है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को वेतन बटना शुरू हो गया है, लोगों को उनकी तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम का इस बार का बजट कई योजनाओं से भरा होगा, जल्द ही इसका डेटा भी पेश कर दिया जाएगा। इस बार का बजट मार्च के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। आज करीब 38 एजेंडों पर चर्चा हुई है। बहुत सारे एजेंडे जो थे वो कुछ स्वास्थ्य विभाग के थे और कुछ एजेंडे जो प्रमुख रूप से आज यूजर चार्ज को बहुत चर्चा हुई है। उसके अलावा बैच वर्क जो कि अभी शहरों में ये आपके अमृत के काम होने से बहुत जगह अभी गड्ढे हुए हैं, तो बैच वर्क का भी हम लोग आज हमने वो निकाला है टेंडर, उसके में भी चर्चा हुई है। और कुछ नामकरण के जो नामकरण होना है उसकी भी चर्चा हुई है। तो टोटल 38 एजेंडों पे चर्चा हुई है। और उसके अलावा यूजर चार्ज और जो हम लोगों की जो दुकानें हम लोगों की हैं कुछ निगमों की, तो उस पर चर्चा आज बहुत विस्तृत चर्चा आज की हमारी आज की हमारी कुछ बनी है बातचीत को लेकर क्या होगा। देखिए, ये मात्र ऐसे लोग हैं जो 4000 में करीब 800 लोग हैं जिन लोग का ये 7000 वाला जो प्रॉब्लम है, देखा तो 700-800 ही लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आपके बाजू में भिलाई में लिया जा रहा है, आपके जब बिलासपुर में लिया जा रहा है, आपके कोरबा में लिया जा रहा है, तो रायपुर में क्यों नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या भिलाई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? क्या आपका दुर्ग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? क्या कोरबा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है? तो वहाँ क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने आज यहाँ पर आज हमने एक शिथिलता जरूर बरती है कि जो एक मुश्त लिया जा रहा था, क्योंकि हमारे रायपुर की एक आदत है कि हम लोग एकदम ऐन वक्त पर जाके पैसे को हम लोग देते हैं, तो हमने ये कहा है कि आप इसको महीने वाइज लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि 7800 रुपये एक बार में दिख रहा है। अगर इसको अगर हम मंथली लेंगे, इसको अगर हम 1000-2000 रुपये लेते तो मेरे ख्याल से आज ये इशू नहीं बनता। अब क्योंकि ये इकट्ठा 7800 रुपये दिखाई दे रहा है तो एक इशू भी बन गया, तो इसलिए इसको मंथली लिया जाएगा, हर महीने लिया जाएगा। और क्योंकि अब निर्णय हो चुका है MIC में, इसको मंथली में लिया जाएगा। और ये भी है कि यूजर चार्ज पूरा जो है उसको जितने भी लोग हैं उसको वसूला जाए, देना ही। क्या वजह है कि खजाना खाली हो गया आपके कर्मचारियों का? अरे आप लोग ऐसा चलाए, कोई खजाना खाली नहीं हुआ है, सब लोगों को वेतन बढ़ना चालू हो गया। कहीं धन मतलब जो होता है समायोजन, इधर से उधर कुछ करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी एक त्रुटि हो गई थी, उस वजह से समायोजन नहीं होने की वजह से उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। अब उसका समायोजन हो चुका है और लोगों को तनख्वाह कल से बटने लग गई है। लोग तनख्वाह आप पता कर लीजिए, लोगों को जो तनख्वाह है वो मिलने चालू हो गई।